नमस्कार। हाइपर एसिडिटी को अमल पित्त के नाम से जानते हैं। जब हमारे पेट का अम्लीय पदार्थ हमारे आहार नली के रास्ते हमारे छाती में या गले तक पहुंच जाता है और उसमें जलन उत्पन्न करता है, उसे हाइपर एसिडिटी व अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक नाम का अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पाचन में टुकड़े करने में हमारी मदद करता है। वह बाहरी बैक्टीरिया, वायरस आदि से जो हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उस रोग उत्पन्न नहीं होने देता और हमारे आमाशय की जो अंदरूनी परत होती है वो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सहनशील होती है। वो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पड़ा रहे तो किसी तरह से कोई विकृति नहीं होती, मगर जो हमारी आहार नली है उसकी जो अंदरूनी परत है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सहनशील नहीं होती। जब हम जरूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, उसके ऊपर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, या मान लीजिए हमारा खाना नहीं पचता तो उस कारणवश या कई कारणों से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट से ऊपर आहार नली में या हमारे गले तक आ जाता है, जिससे हमें छाती में, हमें गले में जलन उत्पन्न होती है और खट्टी डकारे उत्पन्न होती है, कईयों को तो घबराहट बेचैनी होती है। तो इसी को हाइपर एसिडिटी व अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। सबसे पहला लक्षण जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमें कि जी हमें छाती में, हमें गले में जलन होती है और भोजन करने के बाद ये ज़्यादा हो जाती है। कई लोगों को कुछ समय के लिए रहती है जलन, मगर कई लोगों को कुछ समय से ज़्यादा देर तक भी रहती है और वो उनको ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई चीज़ काट रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो उनके छाती में या गले में जलन और कोई चीज़ काट रही है, जलन भी उत्पन्न कर रही है और काट भी रही है। कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारा जो मुंह हमेशा तीता तीता सा रहता है, उसका कारण होता है उनका अम्लीय पदार्थ आहार नली से गले से होता हुआ उनके मुंह तक आ जाता है, जिससे उनका हमेशा स्वाद तीता सा कड़वा कड़वा सा महसूस होता है। जैसे बुखार में हो जाता ना, वैसे ही महसूस होता है उनको। कई लोगों को बार बार डकारे आती हैं, कलेजे में जलन भी होती है और डकारे भी आती हैं, और कई लोगों को साधारण डकारे आती है, कईयों को खट्टी डकारे आती है, जिसकी वजह से उनका मुंह का स्वाद भी बेकार रहता है और कड़वा तीता तीता सा रहता है। कई लोग लक्षण के रूप में ये भी बताते हैं कि जो उनको हाइपर एसिडिटी के रहने के कारण उनको क्या होता है कि उनके जबड़े, जब ये अम्ल पित्त ऊपर आता है मुंह तक आ जाता है तो जबड़े धीरे धीरे ख़राब करता है, पायरिया की शिकायत बना देता है, दांतों की जड़ें ख़त्म कर देता है, और तो और जहाँ वो बैठते हैं आसपास में जब बोलते हैं तो मुँह से बदबू आती है। साथ में बैठा इंसान ये सोचता है कि कब ये इंसान जाए और हमें छुटकारा मिले बदबू से। कई लोगों को अम्ल पित्त के कारण यहाँ जलन तो होती होती है, मगर क्या होता है कि मल, जो मल त्याग करते हैं तो मल भी कच्चा पक्का आता है, मल के साथ खून आता है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और कई बार कई रोगी ऐसे भी देखने में आते हैं, खाना बहुत अच्छा खाते हैं मगर उनका दिन ब दिन वजन कम होता चला जाता है, क्योंकि उनका जो कुछ खाते हैं उसमें अम्ल पित्त तैयार हो जाता है, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। कई लोगों का जो अम्ल पित्त जब पुराने समय से बन रहा होता है, उनको क्या होता है, गले में घुटन महसूस होती है, उनको बहुत यहाँ पे घबराहट बेचैनी होती है, उनको माथे में पसीना आने लग जाता है, बल्कि छाती में दर्द उठता है और बाजू में जाता है, उनको ये महसूस होता है कि मुझे दिल की बीमारी हो गई है। जब उनको चेक किया जाता है तो कहते हैं नहीं, आपको तो अम्ल पित्त की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, जिसकी वजह से आपका जो एसिड है वो आपके दिल पे असर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको घबराहट बेचैनी, सांस फूलना और बाजू में दर्द रहना, गले में घुटन महसूस होना, ये आदि आपके लक्षण पाए जा रहे हैं। मगर आपको ये दिल की बीमारी के कारण नहीं है, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, ये हाइपर एसिडिटी के कारण आपको हो रही है। कई लोग तो रात रात में परेशान होकर डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कि मुझे हार्ट की दिक्कत हो गई है, मुझे बचाओ, लेकिन वो जब चेक करते हैं तो एसिडिटी की दिक्कत पाती है, तो उनको हाइपर एसिडिटी की गोली या इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। अब मैं आपको इसके कारण बता देता हूं। ज्यादातर लोगों में क्या पाया जाता है कि तेल, मिर्च, मसाला, बाजार का चटपटा ज्यादा खाते हैं और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, उसकी वजह से उनको अम्ल पित्त की शिकायत, जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं, वो तंग करती है। मोटे व्यक्तियों को जिनके शरीर में लंबाई के अनुसार वजन होना चाहिए, उससे ज़्यादा वजन है, ऐसे लोगों को भी ज़्यादा मात्रा में हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है।
कुछ लोगों को दवाइयों के कारण भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। बहुत सी दवाइयाँ अंदर जाके गर्मी पैदा करती हैं, जैसे कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, जो दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा समय से स्टीरॉइड खाते हैं, या जो ज़्यादा अस्थमा की भी दवाइयाँ खाते हैं, या मान लीजिए जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत बहुत तंग करती है। खाली पेट जो बैड टी का इस्तेमाल करते हैं, उनको तो खास तौर पे हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। चाय कॉफ़ी अगर हम खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में हमारे एसिड की मात्रा को उत्पन्न करता है, जिसे हम अमलपित्त कहते हैं। उसी के कारण ज़्यादातर लोगों को ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के समय में लोग बेड से उठने से पहले चाहते हैं कि हमें चाय का प्याला मिल जाए तब हम उठें, तो उसके कारण उनको हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती करती है। वो तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं मगर उनको आराम नहीं आता, बस जब तक खाते हैं तब तक आराम रहता है। तो कृपया करके अपना जो आपकी आदत है बेड टी लेने की, उसको धीरे धीरे कम करके ख़त्म करें। ज़्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करने से, या ज़्यादा मात्रा में खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करने से, या ज़्यादा मात्रा में नमक या नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करने के कारण भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है, क्योंकि उनका जो फीटस है उनके पाचन अंगों पे दबाव डालता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कहा भी जाता है कि जी आप थोड़ा थोड़ा करके 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में एक ही साथ भोजन मत करें। बेशक 3 टाइम का भोजन आप 5 टाइम में 6 टाइम में करें, मगर एक साथ सारा भोजन मत करें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ताकि आपके पाचन अंगों पे ज़्यादा लोड ना पड़े और आपको दिक्कत ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भोजन करने के कारण भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। या मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। इसी तरह हम फाइबर युक्त, जिसमें रेशे होते हैं, ऐसे गुदादार, जिसमें गुदा ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसे वस्तुओं का, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं खाने के रूप में, उसके कारण भी हमें हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। हम दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या मान लीजिए तरल पदार्थ हम दिन भर में कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी की शिकायत तंग करती है। एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमें पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बीच में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में भोजन करने के बाद अगर सौंफ और गुड़ को चबाकर खाया जाए तो हाइपर एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। और जो लोग सौंफ और गुड़, जिनको शुगर की शिकायत है, तो गुड़ ना चबा करके खाली खाना खाने के बाद सौंफ को चबाएं, तो उससे भी उनको हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा घरेलू उपचार बता देता हूँ। दूसरे घरेलू उपचार में 100 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, 100 ग्राम आपने सौंठ लेनी है। सौंठ को, अदरक को सुखा के जो बनता है उसे सौंठ कहा जाता है। ये आपको जो किराने वाले रहते हैं ना आपके आसपास, किराने की दुकान करते हैं, उसे आसानी से मिल जाएगी। तो 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम सौंफ, सौंफ इन दोनों को ला के पीस के पाउडर बना लें, और चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक सुबह और चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ लेने से हाइपर एसिडिटी की शिकायत, जिसे हम अमलपित्त कहते हैं, बिल्कुल नहीं बनती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आपने गिलोया 100 ग्राम लेना है, मुलेठी 100 ग्राम लेनी है, इसके बाद भृंगराज 100 ग्राम लेना है। इन तीनों को जहाँ आप रहते हैं आसपास में पंसारी की दुकान, जिसमें जड़ी बूटियाँ आपको देसी दवाइयाँ मिल जाती हैं, उनको बता के आप ले लेना। ला के इन तीनों को अलग अलग पीस के पाउडर बना लेना। जब पाउडर बन जाए तो चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक आप सुबह, और चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक शाम को ताजे पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त की शिकायत तंग नहीं करती है। जिन लोगों को पाउडर खाने में परेशानी होती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो आपने पाउडर बना के रख रखा है, उस पाउडर में से
एक चम्मच लेना है, एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। जब पानी उबल उबल के आधा कप पानी बच जाए, उसे नीचे उतार के उसमें छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या मिश्री का पाउडर मिला के आप सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार से अगर हाइपर एसिडिटी की शिकायत बन रही है वो आपको नहीं बनेगी, और आपको तरह तरह की महंगी दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ मैं आपको, भोजन करने के बाद मुलेहटी, जिसे मुलेठी बोला जाता है, उसको च्युइंगम जो होता है ना चबाने वाला, उस तरह से मुलेठी को मुंह में रख के चबाने से अमल पित्त नहीं बनता है और हाइपर एसिडिटी की शिकायत कभी तंग नहीं करती है। ये आयुर्वेदिक में बहुत अचूक नुस्खा है, हमने बहुत बार आजमाया है इसको। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बता देता हूँ। रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है, जिनके पास समय नहीं होता है कि वो ला के जड़ी बूटी पीसे और इस्तेमाल करें। तो रेडीमेड उपचार में आपने अविपत्तिकार चूर्ण लेना है, मैं नाम दोबारा से बता देता हूँ, अविपत्तिकार चूर्ण लेना है। इस पाउडर को आपने आधा चम्मच से एक चम्मच तक सुबह शाम भोजन से पहले हल्के पानी से या ताजे पानी से या ठंडे पानी से इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करने से आपका अमल पित्त की शिकायत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को पाउडर खाने में परेशानी होती है उनके लिए मैं गोलियां बता देता हूँ। सूत शिखर रस आता है, जो गोलियां होती हैं, दो गोली सुबह दो गोली शाम को खाने से अमल पित्त हाइपर एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। इसी तरह दूसरी रेडीमेड औषधि बताया तो गोली में है, पाउडर तो मैंने एक ही बताया, गोली दो बता रहा हूँ, दो तरह की गोलियाँ, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कामधुदा रस आता है, एक से दो गोली सुबह शाम खाना खाने के एक घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से हाइपर एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। इन तीनों औषधि में से कोई केवल एक औषधि का इस्तेमाल करना है और इसको लेके आप लाभ उठा सकते हैं। ये औषधियाँ वहाँ मिलेंगी जो देसी दवाइयाँ रखते होंगे, आयुर्वेदिक स्टोर जिसे कहते हैं, वो आयुर्वेदिक दवा खाना भी बोला जाता है, वहाँ से आप लेके इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं तीन उपचार आपको बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और रेडीमेड उपचार, इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ, बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज़्यादा नमक या ज़्यादा तला फला या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपके लिए खास तौर पे मना है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जो हमारे सूखे मेवे होते हैं ना, मेवे में आ जाते हैं बादाम, काजू, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तेज मिर्च, मिर्च में चाहे हरी हो चाहे लाल हो चाहे काली हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना। तेज मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, ख़ास तौर पे दालचीनी का, और ख़ास तौर पे आपने तली फली जो चीज़ें होती हैं मैंने आपको बताया भी, इसके अलावा घी, मक्खन, मलाई, पनीर, खोया, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए ख़ास तौर पे मना किया गया है। शराब पीना या धूम्रपान करना आपके लिए खास तौर पे मना है, या मान लीजिए ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करना भी आपके लिए मना है। धुएं वाली जगह पे, जो पोल्यूशन वाला इलाका है, प्रदूषण युक्त ज़्यादा रहता है, उस जगह पे खड़े होना भी आपके लिए मना है कि आपके लिए परहेज माना जाएगा। इसी तरह खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, खट्टे फलों का इस्तेमाल करना भी आपके लिए मना है। सॉस हो गया, अचार हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए नुकसानदायक है। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बता देता हूँ। आपके लिए मीठे फलों का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें अनार बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हरी साग सब्जियों से बना हुआ सूप का इस्तेमाल करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो मौसम अनुसार फल चल रहे हैं उनका रस पीना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, मगर याद रखें कि वो फल खट्टे ना हो, मीठे फलों का इस्तेमाल आपने करना है। भोजन करने के बाद कम से कम 5 से 15 मिनट पैदल चलना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप भोजन करने के बाद 15 मिनट पैदल जरूर चलें। इसी तरह रात का जो भोजन करते हैं ना, तो सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले भोजन करें, ताकि सोते समय, सोने जाने से पहले पहले आपका सारा जो पेट है पूरी तरह से आरामदायक हो जाए और आपको गहरी नींद आए। और
पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा तो रोजाना आप एक्सरसाइज, किसी भी तरह की, पैदल चलना या जॉगिंग करना या एक्सरसाइज में डंबल वगैरह, जो जिसे हम कहते हैं जिम वगैरह का, या व्यायामशाला में जाके अपना व्यायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।